नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। इस वीडियो में आप सभी के साथ 11 स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा, नई लिस्टिंग से लेकर पुराने स्टॉक्स जिनमें इन्वेस्टर्स का भारी पैसा लगा हुआ है। आज बनाए पैसा भाई साहब, आज मतलब बाजार ने जिसकी जो क्वेरी थी, जिसका जो सवाल था, सबका जवाब दिया है पैसे के साथ। आज बाजार ने दबा के इन्वेस्टर्स को पैसा बनाने का मौका दिया और पैसा बना। जिसकी जो भी पोर्टफोलियो है, जो भी स्टॉक है, आज कुछ सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट नहीं था, आज ब्रॉडर मार्केट में तेजी थी। आज बहुत ही अच्छा बाजार देखने को मिला हम सभी को, जहां पे आई थिंक ऑल इन्वेस्टर्स आर सेटिस्फाइड। मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में पहले तो एक चीज को क्लियर करना चाहूंगा, बजाज हाउसिंग फाइनेंस को लेकर मैंने भी आज अपनी सेकंड वीडियो 11:30 जो पोस्ट करी थी उसमें कहा था प्रमोटर्स ने बिकवाली करी है लिस्टिंग के बाद। एक्चुअली में ये खबर ही गलत है कि प्रमोटर्स ने लिस्टिंग के बाद सेलिंग करी है। मैं जब ये वीडियो शूट कर रहा था उससे पहले मैंने देखा था कि बजाज फाइनेंस ने कहां पे कितने शेयर बेचे हैं। मैंने हेडलाइन जरूर बनाई, मैंने वीडियो में बोला जरूर, लेकिन एक्चुअली में उससे रिलेटेड डिटेल्स नहीं शेयर करी मैंने, क्योंकि थी ही नहीं। फिर मैंने बोला क्यों, क्योंकि रूमर इतना ज्यादा फैल रहा था कि हमने भी आपके साथ शेयर कर दिया और ये हमसे बड़ी मिस्टेक हुई है, क्योंकि हम कभी भी रूमर्स पे बात करते नहीं है वैसे, लेकिन इस बार हमने करा और हम गलत पड़ गए। मैं आपको दोस्तों क्लियर करना चाहूंगा, एक खबर बहुत तेजी से मार्केट में चल रही है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस के शेयर में प्रमोटर बजाज फाइनेंस ने लिस्टिंग के बाद 3,000 करोड़ का माल बेचा है, 5% इक्विटी के समथिंग की बिकवाली करी है। एक्चुअली में ये गलत खबर है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ये 3,000 करोड़ का वो माल है दोस्तों जो कंपनी आईपीओ के दौरान ओएफएस ऑफर फॉर सेल में बेचते हुए दिखी है। देखो 3,500 करोड़ के समथिंग का फ्रेश इशू था, 3,560 करोड़ का, और 3,000 करोड़ का था ओएफएस, और टोटल 6,560 करोड़ के समथिंग कंपनी ने पैसे जुटाए आईपीओ से, और ये वो जो 3,000 करोड़ का ओएफएस है उसी को लोग चला रहे हैं। और अगर हकीकत में बजाज फाइनेंस ने लिस्टिंग पे सेलिंग करी है तो आप प्लीज मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, डिटेल के साथ लिंक डालिए स्टोरी का, क्योंकि मैंने पूरा सर्च करा, कहीं भी एक आर्टिकल नहीं है कि बजाज फाइनेंस ने बिकवाली करी है, एक आर्टिकल नहीं है। इनफैक्ट लिस्टिंग के तुरंत बाद आई थिंक कोई प्रमोटर बेच ही नहीं सकता है, वो भी विद इन 2 to 3 days। मेरे को नहीं लगता ये पॉसिबल है, क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग हो सकता है ये, रूल्स के अपोजिट हो सकता है ये, तो ये आई थिंक खबर गलत है। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस को लेकर मैं ये क्लियर करना चाहूंगा अपनी वीडियो के माध्यम से। नेक्स्ट IIFL फाइनेंस, आज इसमें खबरों के दम पर बड़ा एक्शन था। देखो तेजी आज हर जगह है, लेकिन न्यूज जहां पे मैं वही कवर कर पाऊंगा। तो IIFL फाइनेंस में RBI ने गोल्ड लोन बिजनेस को लेकर सारे कर्ब्स को हटा दिया है जो रोक लगाई थी, और इसी के दम पर स्टॉक आज मॉर्निंग में काफी अच्छा भागा, लेकिन धीरे धीरे दिन के दौरान नीचे आता हुआ भी दिखा है, लेकिन एट द एंड लगभग 6-7% की तेजी के साथ ही बंद हुआ। PN गार्डगिल रिसेंटली लिस्टेड मुंबई बेस्ड ज्वेलरी स्टॉक, काफी अच्छी लिस्टिंग होने के बाद करेक्शन हुई, आज मॉर्निंग में 680 के समथिंग का लो था, एंड एट द एंड 731 पे क्लोजिंग देता हुआ दिखाए, 4.5% रैली करता हुआ दिखाए, 61 के मल्टीपल्स पे रीजनेबल वैल्यूएशन पे कोई दिक्कत नहीं है। और ज्वेलरी में ज्यादातर स्टेट ओन ज्वेलरी कंपनियां हैं, लाइक कल्याण ज्वेलर्स भी देख लो या फिर सैनको गोल्ड देख लो, हालांकि तनिष्क तो ऑल ओवर इंडिया मिल जाएगा आपको, लेकिन ये जो है TVZ या फिर सैनको या कल्याण ज्वेलर्स, ये आपका स्टेट ओन है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो सारे की सारी ज्वेलरी कंपनियां ज्यादातर ऐसी हैं, बट सब दमदार प्रदर्शन दिखा रही हैं आपको। आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं तो पूरा शिपिंग स्टॉक आज रॉकेट हुआ पड़ा था दोस्तों, और कोइंसिडेंटली कल ही हमने शिपिंग, रेलवे, डिफेंस पे बात करी थी, जहां मैंने कल या परसों, दो दिन से मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, कल मैंने शिपिंग पे और डिफेंस पे बोला कि टारगेट डन, आपसे हम कंटिन्यू सेलिंग के लिए कह रहे थे, सही बैठ रहे हैं, सारे टारगेट डन करें। मजगांव तो पूरा टारगेट पे आ गया 4,000 पे, HAL में अभी भी रह गए हैं 4-5% नीचे हो जाएगा तो टारगेट डन है, लेकिन अब यहां से जैसे ही लेवल आएगा तो अब खरीदने के बारे में सोचना है, पहला एक्यूमुलेशन करना ही करना है, फ्रेश एंट्री का पहला इंस्टॉलमेंट डालना ही डालना है, ये सारी बात हुई थी, हालांकि डाल नहीं पाए क्योंकि वो स्टॉक वहां से 5% घटे नहीं, इनफैक्ट आज तो रॉकेट हो गए। शिपिंग स्टॉक्स में कुछ स्टॉक्स में तो 10-10% की तेजी थी, क्या ये लेने का मौका है या फिर ये एक उछाल है, छलावा है, दोस्तों ये डिसाइड करना अभी बहुत मुश्किल है। शिपिंग में अगर रहना है तो आप अपने आप को संभालो, अपने आप को क्लियर करो कि मेरे को पहले मजगांव डॉक पे फोकस करना है, डिफेंस में HAL पे फोकस करना है, लेवल्स के अकॉर्डिंग करना है। आज कोचिन शिपयार्ड की बात करूं तो बहुत तेजी से भागा है, 10% भागा है, विदाउट एनी रीजन भागा है आज बड़े, बट मैं नोटिस कर रहा हूं वॉल्यूम्स कुछ ऐसे खास आए नहीं है तेजी में, तो हो सकता है ये उछाल भी हो दोस्तों एक बहुत बड़ी करेक्शन के बाद। तो अभी ऐसा नहीं है कि आज की तेजी में मैं बहुत ज्यादा जज्बाती हो गया, अब तो बस वापस से पुरानी वाली तेजी आ जाएगी, नहीं है,
ऐसा नहीं होता है कि एक दिन में ही सब कुछ बदल जाए। तो अभी मैं वेट ही करूंगा, स्टॉक अगर ये 1930 के ऊपर टिकेगा आकोचिन शिपयार्ड तो हम इसमें एंट्री के बारे में सोचने लगेंगे, अदरवाइज मेरे को लगता है उछाल है वापस से करेक्शन के रूप में नीचे आ सकता है। 56 के पी पे कोचिन इस शिपयार्ड, तो अब ज्यादा महंगा तो नहीं है लेकिन अभी भी मैं वेट करना चाहूंगा, तेजी में तो नहीं लूंगा, मंदी में लूंगा। तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स आज यहां भी एक बड़ा एक्शन देखने को मिला आप सभी को, काफी शानदार 7-8% की तेजी थी। टेक्निकल टर्म्स पे गार्डन रीच की बात करें तो 56-57 के पीई पे ये भी है, इसमें भी करेक्शन कंटिन्यू चली रही थी, लोएस्ट पॉइंट से उछाल मारा इसने भी आज, तो बढ़िया दिख रहा है। 1960 के ऊपर इसमें भी पोजीशन के बारे में सोचेंगे, अदरवाइज वेट करने की राय होगी क्योंकि टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी केवल और केवल डेड कैट बाउंस ही शो कर रहा है, ज्यादा कुछ नहीं। मजगा डॉक कल 4000 के करीब, आज भी 4000 के करीब था इनफैक्ट, अभी भी कोई ज्यादा खास टेक्निकल चार्ट पैटर्न खराब ही है, गिरता है बीच में ऐसे उछाल, पहले भी मार चुका है एक बार फिर मार रहा है, जब तक प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक नहीं करेगा तब तक मेरे हिसाब से वेट करना ही बेटर रहेगा। नेक्स्ट है आपका रेलवे, आज रेलवे में कमाल था भाई साहब, रेल टेल पे नजर डालते हैं पहले हम लोग। रेल टेल के स्टॉक में काफी दमदार तेजी देखने को मिली आज, 470 रुपए के भाव पे स्टॉक आ गया। टेक्निकल टर्म्स पे देखा जाए तो कुछ खास चार्ट पैटर्न अभी भी इंटरेस्टिंग फॉर्म नहीं हो रहा है, एक बस ये कहोगे वी शेप रिकवरी हो गई, जहां पे स्टॉक 17 सितंबर को था, 17 सितंबर, ज्यादा पहले की बात नहीं कर रहा, गिरकर लगभग 19 सितंबर को 440 आ गया, आज वापस 480 हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है कि तेजी आ गई है, जो गिरावट थी दो दिन पहले वो रिकवर कर दिया है बस। तो अभी भी मैं यहां भी वेट करूंगा। राइट्स के स्टॉक में आज काफी दमदार एक्शन था, राइट्स लगभग 10% भागा है और ये एक महीने के उच्चतम स्तर पे आता हुआ दिख रहा है, आई थिंक कुछ एडजस्टमेंट है राइट्स के स्टॉक में, बोनस वगैरह है, तो मेरे पास चार्ट जो वो प्रॉपर ओपन हो नहीं रहा तो मैं राइट्स पे बात नहीं कर पाऊंगा दोस्तों, बट आज तेजी काफी शानदार थी। नेक्स्ट स्टॉक है अपना RVNL, यहाँ भी एक अच्छा एक्शन देखने को मिला है, 544 रुपीस के लेवल्स पे स्टॉक आपके लिए पहुंचता हुआ दिख रहा है। टेक्निकल टर्म्स पे अभी इसमें वीकनेस या स्ट्रांगनेस कुछ भी नहीं दिख रही है, मेरे को लगता है अभी भी ये थोड़ा साइड वे है, नेगेटिव साइड में है इनफैक्ट, ये उछाल है और ये उछाल वापस से सेलिंग के रूप में यूज हो सकता है। अगर मैं सारी चीजों में देखूँ ना तो उतने बड़े वॉल्यूम्स मेरे को नहीं मिले हैं अभी भी, चाहे कोई भी स्टॉक हो, ये सारी की सारी मेरी तरफ से अपडेट थी, चाहे टीटा करो या BEML, दोनों के लिए भी यही अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।